अच्छा लेकिन देख स्टूडेंट्स, आज का जो टेस्ट है, टेस्ट नंबर 2 हमारा एनडीकेट का, ये इसको तेजी से एक बार मैं आपको दोबारा रिव्यू करवा देता हूँ, डिस्कस कर देता हूँ। तो पहले आपके दिमाग में नजर आ रहा है, ऑल्दो ऑलमोस्ट अननोन टुडे फाइव्स वर प्लेड। गौर करें, सबसे पहले हमें इस ए और बी को देखना है कि फाइव्स वर प्लेड। आपको नजर आ रहा है कि मैंने आपको कहा था कि जो वर्ब से शुरू होता है वो प्रेडिकेट का हिस्सा है, पीछे सारा ये सब्जेक्ट है। तो फाइव इसका मतलब हमारा सब्जेक्ट है, तो देखने के दिल करेगा सर ये बिल्कुल ठीक है, तो फाइव वर्ब प्लेड, फाइव प्लूरल है तो वर्ब प्लेड आ गया। तो बेटा जी इस चीज को गौर करें, प्लेड प्लेड मतलब खेले, तो जो फाइव किसी गेम का नेम है, और अगर फाइव किसी गेम का नेम है तो गेम तो वही जरूरी तो नहीं है कि आप इस गेम के नाम प्लूरल है तो वो भी प्लूरल रहेंगे। तो यहाँ वर नहीं आना, यहाँ बेसिकली क्या आना था, वॉज आना था। मैं एक और तरीके से समझाता हूँ, देखो एक लड़के का नाम है जी अवैस। अब ये इसका मतलब नहीं है कि अवैस आर कह दो, मैं कि अवैस के अंदर ना ऐसा आ गया तो मैं आर कह दू, लड़का तो एक ही है, वो गेम तो एक ही है ना, बेशक उसके नाम के अंदर जो है वो ऐसा आया, तो फाइव में गेम का नहीं है, माजी में खेली जाती थी, तो फाइव वॉज प्लेडिंग स्कूल इन ऑस्ट्रेलिया इन द 19th सेंचुरी। ये वॉज आना है, गेम तो एक ही है। मेलबर्न सेवन कहते हैं गुड पेयर ऑफ शूज आर हार्ड टू फाइंड। मैंने एक चीज कही थी, देखो यहाँ से पीछे सारा सब्जेक्ट है, तो मैंने कहा सब्जेक्ट के अंदर जो प्रेपोजिशन वाला हिस्सा होता है उसको एक बार खारिज करके देखा करे। ऐसे सब्जेक्ट है हमारा आ गुड पेयर, अब गुड पेयर तो एक ही पेयर है ना, तो आर तो नहीं आना हमारे पास, ये इज दान है, तो देयर इज व्हाई हमारा ये ए ऑप्शन जो है इसमें प्रॉब्लम है। 118 के आगे सुन सर, तो पार्ट ऑफ द प्रपोज इंक्लूडिंग स्टेट हेल्थ केयर स्पेंडिंग इज ड्यू टू हायर इमरजेंसी इमिग्रेशन सिंस द नंबर ऑफ पीपल दे नंबर ऑफ द नंबर ऑफ रेफरल दाखिले विदाउट हेल्थ इंश्योरेंस है। आपको पता ना द नंबर ऑफ हमेशा सिंगुलर लेता है, अगर द नंबर ऑफ सिंगुलर लेता है तो है तो नहीं आना, धारा यहाँ पे हमने हैज देना है, आ नंबर ऑफ सिंगुलर लेता होता है, द नंबर ऑफ प्लूरल लेता है, तो जल्द भाई हमारा जो हैज का आंसर है वो गलत है, सी की जगह हैज आना चाहिए था। 119 पे आगे जी, हम ही इज गोइंग टू आइदर कीप मूविंग अवे फ्रॉम हिज फैमिली और कम बैक, ऑल डिपेंड ऑन वेल आई डोंट नो व्हाट। बड़ा आसान सा इसका आंसर बनता है जी, बच्चे को लगेगा तो सही इसके सर ये तो सारा कुछ है, देखो ये लफ्ज ऑल आ गया, तो ये ऑल जो है हमें लगेगा कि मेरी प्लूरल वर्ब भी आना है, डिपेंड भी आना है, ऐसा नहीं है डिपेंड नहीं आना, यहाँ डिपेंड आना चाहिए। उसकी रीजन ये गौर करें कि हमारा एक क्लॉज जो है वो सब्जेक्ट, मैंने कहा था कि वर्ब के पीछे जो है उसको सब्जेक्ट मानना है, तो ये देखो ही सब्जेक्ट है, इज गोइंग वर्ब है, तो क्लॉज हमारा सब्जेक्ट बनी हुई है, और जब एक क्लॉज आपका सब्जेक्ट हो या फ्रेज आपका सब्जेक्ट हो, क्लॉज होती है जिसमें सब्जेक्ट वर्ब हो, याद रखिए एक क्लॉज आपका सब्जेक्ट हो तो वर्ब सिंगुलर होता है, डेट इज व्हाई डिपेंड नहीं आना, डिपेंड यहाँ आना चाहिए। 120 के आते हैं, ईच प्लांट फैक्ट्री और एग्रीकल्चरल कम्यून है। देखो बच्चे यहाँ तो कहानी बहुत ईजी है, ईच आ गया, ईच के साथ जो मर्जी आ जाए, जैसे मेरी स्लाइड में आपने देखा था ईच मैन वोमैन, बेश फिर भी हमने ईच भी लगाया था, तो ईच आगे बेशक प्लांट है, फैक्ट्री है, एग्रीकल्चरल कम्यून है, हमें किसी चीज की परवाह नहीं है, हमें देन हैव नहीं लगा, हमें हैज ही लगाना चाहिए। दैट इज व्हाई जो हमारा करेक्ट आंसर है वो यहाँ बीटा है, मतलब बीटा में गलती है, तो हमें यहाँ हैज देना चाहिए। मैं दोनों बन के आता हूँ, ऑल ऑफ दीज फीचर्स ऑफ कॉलेज लाइफ हैज देयर प्लेस एंड शुड रिसीव द सपोर्ट ऑफ देयर स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड इन देम। देखो ऑल ऑफ द फीचर्स ऑफ कॉलेज लाइफ, देखो ऑफ कॉलेज लाइफ तो हम उड़ा देते हैं, असल में हमारा सब्जेक्ट है ऑल ऑफ दी All of these features of college life, तो हमारा यहाँ has नहीं आना, यहाँ हमारा क्या आना चाहिए, yes you are right, यहाँ have आना चाहिए features की वजह से। Let's say 122 is one of the most important problems in the growth of cities have been, यही गलती अगर आ गई है जी, has been आना है, और करे one of the, देखो one of the boys is in the class, क्या in the class है, तो one ही ना, is in the class, तो one of the most problems, तो problem का एक ही बात कह रहे हैं ना, तो यहाँ has नहीं आना, यहाँ भी हैज आना है। और कुछ बताएंगे सर ये मैनी के बाद नीड क्या है, याद रखिएगा ये मैनी के बाद जो नीड है ये नाउन नहीं है, तो वर्ब ही नहीं है। देखो मैनी नीड्स, जैसे मैं कहता मैनी बुक्स, मैनी पेंसिल्स, मैनी बॉयज, तो मैनी नीड्स, यहाँ नीड एज अ वर्ब यूज ही नहीं। नेक्स्ट आगे जी हम 123 पे, द कम्यून डील्स विद दोज पेरेंट्स हु हैव वेजेस दैट इज टू लो। देखो मैंने कहा था हु हु व्हिच दैट, आपने देखा है वो अटैच किसके साथ है, उसके वर्ब लगाना है वेजेस से, तो फ्लोर लगा तो इज तो नहीं होना, यहाँ कहना चाहिए था आज, तो बड़ा इजी था। हाँ अगर पीछे ओनली वन आ जाता कहीं तो फिर इजी रहने देते, क्योंकि ओनली वन जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन थे, वो हु को
बिल्डोज करके अपना फॉलो करते हैं, हमेशा सिमिलर देता है, यहाँ ओनली वन नहीं है, तो हम सिर्फ डेट का रोल फॉलो करेंगे। तो आर आना है विजिट की वजह से। 124 पे जैसे कंज्यूम कॉलम है, एज वेल एज बेसिस विद अ गोल्डन स्टैचू। देखो हमने पढ़ा है अपने रूल में कि जब एज वेल एज आ जाए तो दो सब्जेक्ट में जो पहले वाला होता है इसके मुताबिक वर्ब लगाना है, तो इसके मुताबिक तो फिर वर्ब आना चाहिए था। दैट इज वाई हमारा अल्फा आंसर जो है वो आंसर। ओके जी हम 125 पे आ गए, तो 3/4 ऑफ ए लेटर इन द हार्ट ऑफ द वर्ल्ड लिखा है। सबसे पहले 3/4 का एक फैसला करते हैं कि बेटा ये 3 जो है ना इसके पास आ रहा है। कभी आप कहेंगे 3 books ही कहेंगे ना, 1 book 2 books 3 books 4 books 5 books 3/4 में 3/4 आपकी बुक में क्लियर मिल जाता है, गलत लिखा हुआ है। 3/4 से निकल लिखा है वो ग्रामेटिकली एक्सेप्टेबल नहीं है, 3/4 से निकल ही आना है। लेकिन यह गलती और है, 3/4 से लेकर इन दी हार्ट ऑफ दिस वर्ल्ड में राइट ऑन दी माउंटेन, तो आप वर दी ओनली प्लेस दैट वाज लेफ्ट अनटच। देखो सी मैंने पहले आपको हाईलाइट करके दे दिया कि सी हमारा गलती है, बहुत आना है ये, बहुत क्यों आना है, ये सबसे बड़ी लड़ाई होने वाली है। आप लोगों को मैंने चीज कही थी कि जो सब्जेक्ट होता है ये वो होता है जिसके बारे में इन्फॉर्मेशन दी जा रही है और प्रेडिकेट जो इन्फॉर्मेशन दी है, तो हमें देखना है ये इन्फॉर्मेशन किसके बारे में दी जा रही है। ये एग्जाम्पल है आपको सज्जी दिखा के, वो पंजाबी वाला कहता हूँ जैसे पंजाबी वाला सज्जी दिखा के खुद ही मार दी है। सब्जेक्ट आपका वर्ब के बाद है, ये है जिसके बारे में इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, दैट इज योर सब्जेक्ट, और ये प्रेडिकेट है जो कि इन्फॉर्मेशन दे रहा है। अभी हम साबित करते हैं। 3 द ओनली प्लेस दैट वॉज लेफ्ट अनटच्ड was 3/4 of an acre in the heart of the wilderness, right on the mountain top। अब जुमला यहाँ से शुरू करें तो आपको नजर आएगा ये पहले पढ़े और ये बाद में पढ़े, आपको नजर आ जाएगा कि ये सब्जेक्ट है। और the only place that was left untouched was 3/4 of an acre in the heart of this wilderness। तो इस तरह हमारा जो सब्जेक्ट है वो कई बार जमीन घुमा के देता है। ओके जी नेक्स्ट रूल पर आगे हम, दैट इज 126। ओके जी 126 पर आते हैं। The police that was looking for the pocketbook culprit। देखो the police that was, पुलिस कल भी हमने बात की थी कि ये हमेशा प्लूरल के तौर पर ट्रीट होती है। हाँ पुलिस मैन आ जाए या पुलिस डिपार्टमेंट आ जाए सिंगुलर, लेकिन पुलिस लफज आ गया तो द पुलिस है या अकेला पुलिस है वो वर ही लेगा। तो ये हमारी गलती हुई। द पुलिस that was looking for the pocketbook culprit was present at the hall। देखो यहाँ भी आपका वॉज नहीं आना, वर आना चाहिए क्योंकि हम पुलिस की ही बात कर रहे हैं। दूसरी डीटा में आते हैं द पुलिस दैट वर लुकिंग इनटू द पॉकेट बुक कल्प्रिट। लुक इनटू जो होता है ना तफ्तीश करना होता है किसी मामले के अंदर, उसकी छानबीन करना। जो पॉकेट बुक कल्प्रिट है ना उसको तो वो ढूंढ रही है, तो लुक फार आना चाहिए जैसा कि आपके अल्फा में। तो वो ठीक है चार में फिर द प्लेस दैट वॉज लुकिंग ही आपका प्रॉब्लम है, तो डेल्टा आपका करेक्ट आंसर है जिसमें ऐसा कोई इशू नहीं। 127 पर हम आए जी। तो अकॉर्डिंग टू नॉर्मल $50,000 द अमाउंट मिस्टर स्टीवर्ट ऑफर्ड प्रोवाइड देम अ चांस टू टेक दैट ट्रिप टू यूरोप दे हैव ऑलवेज टॉक अबाउट। तो गौर करें आपको अल्फा में गलती नजर आ रही है, लिखा हुआ है $50,000, ये गलती है। यहाँ देखिए यहाँ भी अंडरलाइन किया, ये गलत है। रीजन आपको कल मैंने डिस्कशन में भी बताया था कि जब भी दो नाउन इकट्ठे आते हैं, जब भी दो नाउन इकट्ठे आते हैं एक चीज याद रख लीजिएगा। देखो 50,000 नाउन है, अमाउंट का नाम है, डॉलर एक करेंसी का नेम है। दो नाउन इकट्ठे आते हैं जो पहला नाउन होता है ना वो हर सूरत सिंगुलर रहता है, वो कभी भी प्लूरल नहीं हो पाता किसी भी सूरत। तो दैट इज वाई आप जब कहेंगे तो $50,000 में कहेंगे, ये आपका करेक्ट एक्सप्रेशन है। आप $50,000 भाई आपको कहना पड़ेगा। मैं आपको इसके और एग्जांपल देता हूँ। आप कहते हैं ना हैंडपंप, नलका जो होता है उसको आप कहते हैं हैंडपंप। तो कभी भी आप हैंड पंप तो कह सकते हैं, कभी भी आप हैंड पंप कह सकते हैं। देखो दो नाउन से हैंड भी नाउन है, पंप भी नाउन है। आप कभी भी हैंड नहीं कह पाएंगे, आप इधर कभी एस लगा नहीं पाएंगे किसी भी सूरत, तो हैंड पंप ही कह सकते हैं। तो वेरी वाई आपका डी ही आपका जो है जो बी है वो सॉरी आपका जो ए है इसमें $50,000 गलत है, बी का में $50,000 बिल्कुल करेक्ट है। चार्ली में आते तो आपको गौर करें बट प्रोवाइड अंडरलाइन किया हुआ नजर आ रहा है मेरी साइड से कि मिस्टर स्टीवर्ट ऑफर्ड प्रोवाइड देम, गौर करो $50,000 द अमाउंट, ये $50,000 थे तो ज्यादा लेकिन एक अमाउंट बन गया। आपकी चीज समझाई हुई है मेरी नोट के लिए। तो जब एक प्लूरल क्वालिटी सिंगल के तौर पर ट्रीट हो, जैसे 10 माइल्स इज
आ लॉन्ग डिस्टेंस, ये तो 10 माइल लेकिन आ डिस्टेंस बन गया, आ लॉन्ग डिस्टेंस तो इज लगा दिया, तो 50,000 डॉलर भी एक अमाउंट बन गई तो प्रोवाइड नहीं आना, प्रोवाइड जाना। और डेल्टा में देखिएगा 50,000 डॉलर, देखो 50,000 है तो ये तो क्लेम नहीं हो सकता, लेकिन दूसरा नाम तो क्लेम हो सकता है ना। मैं कभी नहीं कहूंगा 50,000 स्टूडेंट्स ही कहूंगा डॉलर बना, बीटा ही आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट आते हैं जी 128 पे, एज द स्टडीज शोज, स्टडीज जो होता है ना ये जहर है, इसको हम प्लूरल वर्ब हमें देना पड़ेगा, स्टडीज है तो हमें शोज जो है वो नहीं देना, हमें शो देना है। तो अल्फा में गलती नजर आ गई। बीटा में देखते हैं एज द स्टडीज शो एज 70% ऑफ पीपल इन अफ्रीकन कंट्रीज लिव, तो देखो लिव जो है लिखा हुआ है एज द स्टडीज शो, तो फिर जी के 70% ऑफ पीपल इन द अफ्रीकन कंट्रीज, देखो 70% हमने कल पढ़ा था फ्रैक्शन है, जैसे ये परसेंटेजेस वगैरह, इनके बाद जो ऑफ के बाद वाला वर्ड है वो डिसाइड करता होता है। तो 70% ऑफ द नेशन नहीं है, नेशन होगा तो लिव ठीक, क्या 70% ऑफ द पीपल है, पीपल ज्यादा प्लूरल में, तो यहाँ लिव नहीं, लिव आना है। एसबीएस का दफा आपको बताया प्लूरल वर्ड के साथ होता है, प्लूरल नाउन के साथ होता है। चार्ली हमारा करेक्ट आंसर है। डेल्टा में आते हैं, देखो यहाँ अगर आ गया लिव बिलो द पॉवर्टी लाइन एंड बाहर है, उसी के बारे में बात हो रही है, पीपल के बारे में, तो डज नॉट नहीं आना, डू नॉट आना है। और एक और चीज याद रखिएगा, डू नॉट डज नॉट के साथ हैव नहीं आता बल्कि हैव आता है। आपको पता है ना आप विल हैव लगाते हैं हमेशा, याद करें आप हमेशा विल हैव कहते हैं, शैल हैव कहते हैं, इसी तरह इस जैसे जितने भी हेल्पिंग वर्ब उनके बाद हैज है, में सिर्फ हैव ही आता है। कभी आप विल हैव भी कहते तो आप कैन हैव भी नहीं कहते, कैन हैव कहते, आप मे हैव भी नहीं कहते, मे हैव कहते, डू हैव भी कहते, डू और डज के बाद भी हैव ही आता है। ये याद रखना कि हेल्पिंग वर्ब के बाद हैज है, में सिर्फ हैव ही आता है। कभी हम मैन पे आते हैं, द कमेटी पार्टिसिपेट्स इन वेरियस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एंड विल ऑफर द स्कॉलरशिप टू एवरीबॉडी हु पार्टिसिपेट्स इन द स्टडी, कमेटी पार्टिसिपेट्स इन वेरियस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एंड वर्क करें, आपको जो अल्फा इसमें कोई गलती लग रही है आई तो अल्फा करेक्ट है। द कमेटी पार्टिसिपेट इन वेरियस प्रोजेक्ट एंड विल ऑफर, देखो मैंने अभी बात की थी कि विल शल के बाद हैज नहीं आता, हैव आता है, विल शल के बाद प्लूरल वर्ब आता हैज नहीं आना, अभी क्या हमने बात करी, ये पिछले साइड में वापस आता हूँ, हैव आता है प्लूरल वर्ब आता है, एक और करें फिर प्लूरल वर्ब आता है, यहाँ भी तो ऑफर तो गलत है ना, प्लूरल वर्ब भी आना है, विल ऑफर, जैसे कभी विल प्ले नहीं कहते, विल प्ले कहते, ही में आ गए तो ये देखो किसके साथ लगा हुआ है, एवरीबॉडी के साथ, एवरीबॉडी के साथ लगा तो सिमिलर होना चाहिए था पार्टिसिपेट्स, तो हमारा जो है वो गलत हुआ, सी भी पार्टिसिपेट आना था। डेल्टा में देखिए तो एवरीबॉडी, एवरीबॉडी के साथ गौर करें आपके विच लगा हुआ, विच नहीं आना, एवरीबॉडी के साथ आना है जी, ये आप बिल्कुल ठीक हुए, एवरीबॉडी के साथ हमारा हुआ ना, जैसे बाकी सब लोग लगा हुआ है। लेकिन सुन सामान 30 पे आगे, दे वर मेनी हेम चौधरी फाउंड सुटेबली, देखो गलतियां जो है बहुत सारी है, एक तो आपको देर वर एनी नहीं, आपका आना यहाँ आना है कि दे वर सम, एनी याद रखिएगा, आप पढ़ेंगे प्रोनाउन में जाके नेगेटिव जुमलों में आता है, पॉजिटिव जुमलों में सम आता है। दूसरा होम चौधरी फाउंडेड, फाउंडेड फाउंड फाउंडेड फाउंडेड बुनियाद रखना है, जैसे पाकिस्तान वाज फाउंडेड 1947, जो तलाश करना होता है ले जाना वो फाइंड फाउंड फाउंड है, और सूटेबली भी नहीं आना सूटेबल आना है, याद रखिएगा चौधरी फाउंड सूटेबल, चौधरी को सूटेबल लगे, सूटेबली का एडवर्ब है मतलब उस तरीके से, चौधरी फाउंडेड चौधरी ने बुनियाद रखी बड़े मुनासिब तरीके से, तो मेरी सारा खराब हो गया। बीटा में आते हैं देर बार सम हू, तो हू नहीं आना हू आना, ये बात आप भी प्रोनाउन में जाके पढ़ेंगे बेटा जी, कि आपने ना हुम हुम के ना आगे देखना होता है, आगे अगर अगला वर्ड जो है उसका सब्जेक्ट मौजूद हो मिसिंग ना हो तो फिर आप हु नहीं लगा सकते, हु सिर्फ तब लगाते हैं जब सब्जेक्ट मिसिंग, देखो फाउंड वर्ब है तो चौधरी सब्जेक्ट है, अगर सब्जेक्ट मौजूद है तो हु तो नहीं आना होना, हाँ अगर सब्जेक्ट मिसिंग है तो हु लगाए, और अगर ऑब्जेक्ट मिसिंग हो तो आप हु लगाए, देखो फाउंड के बाद आपका ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है कि किसको पाया, ये तो एडजेक्टिव है, ऑब्जेक्ट जो होता है वो भी सब्जेक्ट की तरह सिर्फ नाउन या प्रोनाउन होता है, क्योंकि सब्जेक्ट भी सिर्फ नाउन प्रोनाउन होता है और ऑब्जेक्ट भी सिर्फ नाउन प्रोनाउन होता है, तो आगे क्योंकि कई नाउन प्रोनाउन में ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट नहीं करता तो हमें हुड लगाना था होम लगाना था। तो देयर वाज सम आगे आते हैं जी, सी में गौर करें देयर वाज सम, ये देयर वर सम, हम लोगों की बात कर रहे, चौधरी फिर तक आपने लेसन में पढ़ा हुआ है कि किसी रिश्ते वाले लोगों की बात कर रहे हैं जिनके लिए रिश्ता बनाना चाहे, तो यहाँ हमें क्योंकि सम का मीनिंग पीपल है, बॉयज है
तो हमें देर वर्क हम लगाना है, देर वॉक हम नहीं लगाना, दैट इज वाई आपका चार्जली करेक्ट है। अच्छा एक चीज याद रखिएगा, देर वॉक सम भी हो सकता है, इसके लिए जरूरी है कि देर के बाद कोई सिंगुलर नाउन हो। जैसे मैं कह देता हूँ देर वॉक सम वॉटर, देखो देर वॉक सम वॉटर, तो गौर करे अब मैंने जो है सम मौजूद था और मैंने वॉक लगाया देर के बाद, और क्यों लगाया, क्योंकि वो जो सम था ये सिंगुलर नाउन को शो कर रहा था, और अगर वो सिंगुलर के जगह किसी प्लेन को शो करेगा तो हमारे देर भर आएगा। आई होप कि आपको ये बात समझ आ गई, अगर आगे हुआ तो बड़ा यस कर दे साहब जल्दी से। 131 पे आते हैं जी, अकॉर्डिंगली ही सेट अप अ कमेटी व्हिच वाज गिवन अ टास्क टू प्यूरीफाई द लैंग्वेज लेसन 15 से अजीब आई सब्जेक्ट द जेन्युइन टर्किश वर्ड्स बाय फॉर दोज ऑफ अरबिक एंड पर्शियन रीजन, ये बिल्कुल ठीक लग रहा है मुझे, यस इट्स करेक्ट। तो ही सेट अप अ कमेटी व्हिच वर गिवन, याद रखिएगा which were जो given है वो नहीं आना, which was given आना, ये बात ध्यान में बैठा ले। तो committee which was given, एक तो committee के साथ याद रखिएगा जब which हम लगाते हैं तो इसका मतलब है ये non living हो गया, आपको पता है ना कि वो living के साथ होता है, which non living के साथ होता है, तो ये non living है, इसका मतलब ये कोई entity है, ये कोई group है, जैसे मैं कहता हूँ class, तो class living है तो non living है students, तो स्टूडेंट्स लिविंग है उसके अंदर, तो क्लास वॉज के क्लास वर, क्लास वॉज ओके, क्लास विच वॉज वर्किंग हार्ड के क्लास विच वर वर्किंग हार्ड, क्लास विच वॉज वर्किंग हार्ड, क्योंकि क्लास एक ग्रुप है, कलेक्टिव नाउन है। तो याद रखिएगा अगर एक कलेक्टिव नाउन के बाद विच आए तो इसका मतलब एक यूनिट है, तो उसके साथ हम वर नहीं लगा सकते, और अगर एक कलेक्टिव नाउन जैसे कमेटी के बाद वो आ गया तो इसका मतलब याद रखिएगा वो एक यूनिट नहीं है, इसका मतलब वो इंडिविजुअल पीपल है, वो लोग है, और फिर हमें उधर उसके साथ वॉक ही लगाना, उसके साथ वर लगाना होता है, क्योंकि फिर वो कलेक्टिव नाउन के तौर पर यूज ही नहीं हो रहा। तो सादा सा फार्मूला निकला जी, कलेक्टिव नाउन के बाद विच आए तो प्लूरल लगाओ, ठीक है जी, और कलेक्टिव फिर विच आए तो वॉक लगाओ, सिंगुलर लगाओ, और अगर कलेक्टिव नाउन के बाद वो आए तो समझ लो तो वो सिंगल यूनिट नहीं है, वो पीपल है, तो फिर वॉक यहाँ लगाओ फिर वर लगाओ। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, कलेक्टिव नाउन के बाद अगर विच आए तो सिंगुलर लगाओ क्योंकि एक यूनिट है, और अगर कलेक्टिव नाउन के बाद हो आए जैसे यहाँ आया हुआ है तो फिर वॉक में लगाओ वर लगाओ, जिस वजह से सी गलत हुआ क्योंकि वॉक लगा हुआ था। डेल्टा में आते हैं जी, बाय सब्स्टिट्यूट, याद रखिएगा बाय सब्स्टिट्यूट में, बाय सब्स्टिट्यूटिंग ये वर्ड में जाके आप पढ़ेंगे प्रेपोजिशन में भी, तो प्रेपोजिशन के बाद अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो वो हमेशा आई एन जी फॉर्म जेरंड होती है, सवाय टू के, टू यूजली आपने देखा होगा कि वो फर्स्ट फॉर्म लेता है, वो भी हम कुछ पढ़ेंगे, कुछ जगह पर टू भी फर्स्ट फॉर्म लेता है, जेरंड लेता है, लेकिन टू के बाद यूजली फर्स्ट फॉर्म आती है, लेकिन बाकी सारी प्रेपोजिशन वो बाय है, फार है, वो सारी अपने बाद जेरंड आई एन जी फॉर्म ही, लेकिन सब्स्टिट्यूटिंग आना था। 132 के आते हैं, बीनीथ द स्टाफ देयर वर नीगर अटायर, नोहरा कॉलर और इवन अ शर्ट, आपने नीगर नोहर का रूल पढ़ा इधर और वगैरह का, तो याद रखिएगा नीगर अटायर नोहरा कॉलर, तो नीगर ये पहला सब्जेक्ट, अ कॉलर दूसरा सब्जेक्ट। आपको मैंने रूल जो बताया था, कि ये बताया था कि जब नीगर नॉर इधर और वगैरह दो सब्जेक्ट को, नॉट ओनली बट ऑल्सो दो सब्जेक्ट को मिलाते हैं, तो वर्ब इसके मुताबिक लगाए जो वर्ब के करीब है, ये नहीं कि पहला और दूसरा, ना 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 ना, पहला दूसरे का गलती जाएंगे, जो वर्ब के करीब है, ये नहीं वर्ब, तो वर्ब के करीब बोले टाई, तो टाई के मुताबिक क्या आना चाहिए, यस टाई के मुताबिक वर्ब आना चाहिए, हमारा बीटा करेक्ट, जिसमें वॉज लगा हुआ है, यहाँ भी वर करो वर है जो कि रॉन्ग है, और यहाँ अल्फा में देखे नीदर और लिखा हुआ है, नीदर नॉर होता है, इधर और होता है जी, और डेल्टा में भी नीदर और है, बाकी चीजें ठीक थी, नीदर नॉर होता है, तो इसका भी हम कबूल कर लेते। 133 पे आते हैं, ये बड़ा मजे का, टाइड नीटली इन अ लार्ज सिल्कन कार चीफ वर अ पेयर ऑफ गोल्ड पेंडेंट सेट विद लार्ज चाइनीज स्टोन एंड 100 रुपी नोट, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट है, मैं आपको समझाता हूँ हुआ क्या। यहाँ भी जो सब्जेक्ट है वो वर्ब के बाद है, टाइड नीटली इन अ सिल्कन कार चीज, क्या ये कोई चीज है जिसके जिसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही है, नहीं, ये तो बताते खुद एक इन्फो है, और अगर ये इन्फो है तो ये सब्जेक्ट नहीं है, ये तो प्रेडिकेट हुआ, प्रेडिकेट सब्जेक्ट तो होता है जिसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही है, ये तो है इन्फॉर्मेशन खुद को, बस बड़ी नीटली लपेटे गए थे सिलक के रुमाल में, तो क्या चीज लपेटी गई थी, ये है सब्जेक्ट, लपेटी गई थी अ लार्ज पेयर ऑफ गोल्ड पेंडेंट सेट विद लार्ज शाइनिंग स्टोन एक चीज एंड गो 100 रुपी नोट दूसरी चीज, कितनी चीजें हो गई, दो चीजें तो एंड से मिलाया, तो बाहर है जब एंड से दो चीजें मिलती हैं और वो दो मुख्य चीजें हैं, जैसे कि गोल्ड पेंडेंट सेट है 100 रुपी नोट है, दो चीजें,
तुम्हारा वन रन है वो वे नहीं आना, ठीक है स्टूडेंट। और 100 आ है ना, आ तो एक नोट है, मतलब तो 100 रुपीज नहीं, 100 रुपी नोट है ना, एक आ की वैसे आ के नहीं होता, एक होता है। तो टाइड मीट नहीं आना था डेल्टा में, टाइड मीट ली एडवर्ब आना था। पढ़े जैसे मैं कह दूं कि टी रैन स्लो नहीं आना, ही रैन रैन वर्ब है, रैन स्लो ली तो टाइड मीट ली। 134 पे आते 60 The dome of the staff and guest of honor at the old book fill in dinner work began to fill a comfortable niche in his mind. Work करे तो the dome of the staff, dome senior member को कहते हैं, dean और होता है जी, dean head होता है, सरबरा होता है, and guest of honor at the old book fill in dinner. कितने लोग हैं? एक ही बंदा है, बाद का एक मरतबा आया, ये मुझसे चिप की बात हो रही है, वही dome of the staff था और वही guest of honor था, इधर वो बंदा एक ही था, तो वहां तो नहीं आना, हमें क्या लगाना है, वॉज लगाना है। बीटा में देखे दा दो मरतबा है, द डोन ऑफ द स्टाफ एंड द गेस्ट ऑफ ऑनर, इसका मतलब कि दो लोग हो गए, सारे मैंने कहा था डिटरमिनर जितने मरतबा आएगा उतने लोग हैं, तो दा डोन ऑफ द स्टाफ एक बंदा है, दा गेस्ट ऑफ ऑनर दूसरा बंदा, तो वॉज नहीं आना था, घर आना था, यहाँ दा एक मरतबा आया था, ये आया नहीं था, मतलब वही गेस्ट था वही था, ये दोनों मिलाकर एक ही बंदा बन रहा था। जो चार में आते हैं देखो दा एक मरतबा आया, दा डोन ऑफ द स्टाफ एंड गेस्ट ऑफ ऑनर, तो एक ही बंदा है ना, तो देखते नहीं है जाना चाहिए, तो डेल्टा हमारा करेक्ट है, जिसमें ऐसी गलती मौजूद नहीं है। हम अपने लास्ट एमसीक्यू के आगे 135 के कैक्टाई, कैक्टाई याद रखिएगा प्लूरल है, कैक्टस सिंगुलर है, तो कैक्टाई आ रहा था, जैसे मैंने आपको कहा था स्टेफाइड लोकोकस सिंगुलर है, स्टेफाइड लोकोकाय प्लूरल है, स्टीमुलस सिंगुलर है, स्टीमुलाय प्लूरल है, ये लैटिन में ग्रीक में नाउन बताए थे, तो उनके ऊपर आई आता हो तो प्लूरल है, एस आता हो तो सिंगुलर है, एम आता हो तो सिंगुलर है, और विक्टोरियन से देखो विक्टोरिया तो प्लूरल है, ये चीजें आपने समझाई थी। एस आई एस आता हो जैसे बेसिस एस आई एस तो सिंगुलर है, एस ई एस आता हो तो प्लूरल है, ये आपके बिल्कुल शुरू में मेरी जिस स्लाइड में इसके अंदर मौजूद है। तो बीटा आते केक्टाई आर फ्लावरिंग प्लांट्स बट सम हैज मोर प्रोमिनेंट ब्लूम्स, देखो हम केक्टाई की बात कर रहे हैं तो सम हैव, ये कुछ सम सिंगुलर चीज होती है ना, तो हम हैज लगा भी लेते हैं। चार्ली जो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है, कोई गलती नहीं है, डेल्टा में भी गलती नजर आ रही है, केक्टाई आर फ्लावरिंग प्लांट्स बट सम हैव मोर प्रोमिनेंट ब्लूम्स एंड देयर इज अ फ्यू, वर्क करे अ फ्यू का मतलब है एक से ज्यादा, फ्यू आपको पता आता भी काउंटेबल के साथ है, फ्यू कुछ एक बंदे को हम अपने नहीं कहेंगे, एक से ज्यादा लोग होंगे तो फ्यू कहेंगे कुछ, किसी से ज्यादा लोग है तो देर इज नहीं आना चाहिए था, देर आर आना चाहिए था, देर का नजर आ रहा है कि चार्ली में बिल्कुल करेक्ट है, तो चार्ली हमारा आंसर है। तो स्टूडेंट्स ये आपकी आज की डिस्कशन को मैंने एक बार फास्ट भी कर दिया है थोड़ा सा, और अगर आपको अभी भी कोई क्वेश्चन है तो आप जल्दी से कमेंट्स में इसको भेजें ताकि मैं इसको थोड़ा भी आंसर कर दूं।